गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर वन है उसके एक टॉपिक का स्टडी करेंगे। चैप्टर वन का नाम है विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम, जिसमें हम अभी अवशोषण स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। इसका एक टॉपिक है क्रोमोसोम एंड ऑक्सोक्रोम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमोफोर क्या होते हैं? क्रोमोफोर किसी यौगिक में जुड़ा हुआ वह क्रियात्मक समूह होता है जो कि उस यौगिक या उस पदार्थ के में कलर को उत्पन्न करता है, जिसके कारण उस यौगिक या उस पदार्थ में कलर उत्पन्न होता है। अगर क्रोमोफोर समूह नहीं होगा तो यौगिक या पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं होगा। तो जो क्रोमोफोर होते हैं वो असंतृप्त समूह होते हैं। असंतृप्त समूह का मतलब उस क्रियात्मक समूह में पाईबंद पाया जाता है, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उनमें पाईबंद पाया जाता है। ये क्रोमोफोर समूह मेन यौगिक में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब क्योंकि ये असंतृप्त होते हैं यानी इनमें पाईबंद पाया जाता है, तो इनमें उस पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन हो जाता है ऊर्जा का अवशोषण करके। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे पहला उदाहरण है कार्बन डबल बंद कार्बन, दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बोनाइल, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जितने भी यहाँ ये क्रोमोफोर क्रियात्मक समूह बताए गए हैं सभी में ही डबल बंद उपस्थित है, यानी कि इनमें पाईबंद है और पाईबंद का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अब ये जो क्रोमोफोर समूह हैं ये पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ठीक है। प्रकाश का अवशोषण करके पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है। किसी एक यौगिक या पदार्थ में एक या एक से अधिक भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो क्रोमोफोर पाए जाते हैं। क्रोमोफोर समूह मेनली दो प्रकार के हैं, जैसे कि पहले हम ऊपर वाले देख रहे थे जिनमें कि सिर्फ पाईबंद है, तो जिनमें सिर्फ पाईबंद होगा तो उनमें पाई से पाई स्टार यानी पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, और दूसरे प्रकार के वो जिनमें पाईबंद के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो उनमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, साथ में कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन के बीच में पाई बंद भी है, ये ऑक्सीजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी और डबल बंद यानी पाई बंद भी है, सल्फर पे भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और डबल बंद पाई बंद है, नाइट्रोजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऑक्सीजन पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और डबल बंद यानी कि पाई बंद भी है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार संक्रमण भी हो जाता है, जिससे कि कलर उत्पन्न होते हैं। तब क्रोमोसोम के कारण कलर उत्पन्न होता है, तो फिर ऑक्सोक्रोम किस काम आते हैं? क्या ऑक्सोक्रोम के कारण कलर होता है? नहीं, ऑक्सोक्रोम के कारण किसी भी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं बेटा? क्रोमोफोर जो कलर उत्पन्न करते हैं, ऑक्सोक्रोम उस कलर को बढ़ाते हैं। तो ऑक्सोक्रोम में आप ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को देखिए, इन ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल में कहीं पे भी पाई बंद नहीं है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन समूह के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अनाबंदी इलेक्ट्रॉन, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा किस पे? ऑक्सोक्रोम पे। और ऑक्सोक्रोम क्रोमोसोम के साथ उपस्थित होंगे, और ऑक्सोक्रोम उस क्रोमोसोम के कारण जो रंग उत्पन्न होता है, ऑक्सोक्रोम उस रंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं। ऑक्सोक्रोम का खुद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये रंग की तीव्रता को बढ़ाते हैं। तो ऑक्सोक्रोम रंग की तीव्रता को कैसे बढ़ाते हैं? कि जो ट्रांजिशन हो रहे हैं यानी संक्रमण हो रहे हैं, उसमें जो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ऑक्सोक्रोम ये हेल्प करते हैं कि वो ऊर्जा कम से कम लगे, यानी कम से कम ऊर्जा का अवशोषण करके ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाए। तो ऊर्जा कम अवशोषित हुई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो गया, तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हुआ है तो कलर ऑटोमेटिकली जल्दी आ जाएगा, और जब ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी तो जो तरंग दैर्ध्य काम आएगी उच्च वाली काम आएगी। ऑक्सोक्रोम के उदाहरण के रूप में OH ग्रुप देख सकते हैं, OR ग्रुप है, एमीन के तीनों फॉर्म है,
सल्फर हाइड्रोजन है, सल्फर सल्फर है, हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जनरली हैलोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनमें एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। जब ये वाले ग्रुप होते हैं लेकिन इनके साथ पाई बंद नहीं होगा तो वो ऑक्सोक्रोम के रूप में व्यवहार करेंगे। हम एक जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या है, वो क्रोमोफोर है, क्योंकि ऑक्सीजन के एकांक के पास एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म तो है लेकिन नाइट्रोजन के साथ डबल बंद भी तो जुड़ा हुआ है। तो जब डबल बंद है यानी पाई बंद है तो यानी कि वो तो होगा क्रोमोफोर, है ना। अब हम देखते हैं पैरानाइट्रो एनिलीन, पहले तो हमने देखा नाइट्रोबेंजीन जिसमें सिर्फ क्रोमोफोर है, दूसरा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो नाइट्रो ग्रुप तो हो गया क्रोमोफोर लेकिन एनिलीन का जो एमिन ग्रुप है ये हो जाएगा ऑक्सोक्रोम, क्योंकि एमिन ग्रुप में पाई बंद नहीं है, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिर्फ एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करेगा और ये ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करके जो क्रोमोफोर नाइट्रो ग्रुप है उसके रंग को बढ़ाता है। तो ऑक्सोक्रोम खुद रंग उत्पन्न नहीं करता है लेकिन क्रोमोसोम जो रंग उत्पन्न करता है, क्रोमोसोम के रंग की तीव्रता को ऑक्सोक्रोम बढ़ाता है, है ना। अब हम आगे इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शिफ्टिंग की बात करेंगे। थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया होगा।